हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ABC कंपटीशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 370 जम्मू कश्मीर के बारे में, जो कि विशेष अनुच्छेद है। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो पास में बेल आइकॉन जो घंटी है उसे प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। साथ ही अगर आप जिस विषय से संबंधित वीडियो बनवाना चाहते हैं उस विषय से संबंधित आप अपने कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आपको किस संबंध में किस विषय की वीडियो चाहिए। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अनुच्छेद 370, आपको पता है अनुच्छेद 370 जो अभी विशेष संज्ञान में आया है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे कि 370 अनुच्छेद है क्या, है ना। तो पहली चीज़, 370 अनुच्छेद था क्या, इस विषय में मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो था क्या, अगर अपन अभी तो बात करेंगे, जो 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है, तो इससे पहले के संबंध में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा क्यों प्राप्त है, क्योंकि भारत राष्ट्रों की स्वतंत्रता में है, जो जिसमें ब्रिटिश यानी जब स्वतंत्र हुआ था तब जम्मू कश्मीर के साथ कुछ विशेष समस्याएं थीं या विशेष प्रावधान थे, जिसमें या तो जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिल सकता था या फिर पाकिस्तान के साथ। यानी जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, या तो वो भारत के साथ मिल सकता था या पाकिस्तान के साथ, क्योंकि लगभग 600 रियासतें थीं भारत की, लगभग 600 रियासतें थीं, जिसमें से प्रमुख 3 रियासतें ऐसी थीं जो जिनके सामने ये चुनौती थी कि या तो वो भारत के साथ मिलें या जो भी पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान उसके साथ मिले। तो प्रमुख 3 रियासतें थीं जो किसी के साथ नहीं मिलना चाह रही थीं। तो पहली रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद, हैदराबाद की जो रियासत थी, और दूसरी थी आपकी जूनागढ़, और तीसरी थी जम्मू कश्मीर, यानी 3 रियासतें थी। तो पहली रियासत है जो हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा उसको मिला लिया गया था, जो भारत में मिला लिया। दूसरी रियासत थी जूनागढ़, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया गया था। और तीसरी जो रियासत थी जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की रियासत को, जम्मू कश्मीर की रियासत यानी वहाँ के जो राजा थे हरी सिंह के साथ, जब वो किसी के साथ नहीं मिली, जब 1947 के बाद क्या हुआ कि जब उसके पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया, तो हमले के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के पर एक चुनौती आ खड़ी हुई। जब चुनौती खड़ी आ हुई तो उसने, जो कि अपने भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध थे शेख अब्दुल्ला के, तो शेख अब्दुल्ला ने भारत के जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे जो बात की कि हमारे मतलब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया है। तो उस संबंध में जब जम्मू कश्मीर के जो राजा थे कौन, हरी सिंह ने क्या किया, जब जवाहरलाल नेहरू से बात की तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ प्रमुख शर्तें रखी गई, यानी प्रमुख शर्तें वो क्या थी कि 26 अक्टूबर 1947 का एक विशेष दिन था। उस दिन क्या हुआ कि विलय पत्र यानी लिखित में कुछ शर्तों के आधार पर जम्मू कश्मीर को भारत का एक हिस्सा बना लिया गया, यानी कुछ शर्तों के आधार पर। तो प्रमुख जो शर्तें थीं जिसमें भारत यानी भारतीय संसद विशिष्ट चीज़ों पर
यानी कुछ चीज़ों पर, विशिष्ट चीज़ों पर ही भारत अपना अधिकार यानी संसद अपने अधिकार है, और वहाँ पर कुछ चीज़ों को ही लागू कर सकती है, जैसे रक्षा के क्षेत्र में विदेश के जो भी होते हैं और एवं संचार वगैरह, जो केवल तीन चीज़ें थीं जिनमें भारत की भारतीय जो संसद है अपने अधिकार यानी अपने अपने जो बनते हैं ना, तीन चीज़ों पर ही लागू कर सकती थी। बाकी की चीज़ क्या थी कि जम्मू कश्मीर अपने जो संविधान से हटकर जो भी अपने अधिकार यानी वो जम्मू कश्मीर अपना खुद एक विशेष अधिकार के तहत अपना वहाँ का एक कानून बना सकती थी, और वो बाकी के सब चीज़ें वो किस पर थी, जम्मू कश्मीर पर ही। तो विशेष प्रावधान के तहत 26 जनवरी 1957 को ये जो है हस्ताक्षर हुए कि विशेष चीज़ों पर भारत भारतीय संसद ही प्रावधान बनाएगा। वो तीन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, रक्षा, विशेष और संचार, बाकी की जो भी चीज़ें थी वो कौन अधिकार कौन बना सकता है, केवल जम्मू कश्मीर अपनी संसद द्वारा प्रावधान बना सकती है उस चीज़ों के लिए। अगला था जैसे भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार जो है हमारे पास, कितने मौलिक अधिकार थे, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में अभी भी लागू नहीं था। जब 370 जो अनुच्छेद 370 है ना, उसके तहत जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार यानी लागू नहीं था, संपत्ति का अधिकार उनका खुद का था। अदर स्टेटों में क्या है कि संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, यानी अब संपत्ति का अधिकार केवल प्रशासनिक है यानी शासन के द्वारा। और भाग चार में नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते है ना, और भाग चार का में क्या है, मूल अधिकार भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। साथ ही जम्मू कश्मीर का जो कार्यकाल था वो कितने वर्षों का था, 3 वर्षों का। और इसके साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में का जो निवासी है वो अदर स्टेटों में तो अपना निवास कर सकता है जाकर, लेकिन जम्मू कश्मीर में अदर स्टेट यानी अदर प्रदेश का निवासी वहाँ पर जाकर ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना निवास कर सकता, लेकिन कुछ कंडीशनों में निवास कर सकता है, जैसे कि कुछ अगर वो अपनी किसी लड़की के साथ अगर शादी कर लेता है तो वहाँ की उसे वहाँ उस जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर का अदर स्टेट में या अदर राज्यों में अगर शादी कर लेता है तो वो उसकी दोनों राज्यों की नागरिकता रहेगी उसकी, यानी वो वहाँ का भी नागरिक रहेगा और अदर स्टेट का भी रहेगा। साथ ही आपातकाल के संबंध में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में था कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित जब मंदी आ जाए तो मंदी आने की स्थिति में वित्तीय आपातकाल को लागू नहीं किया जा सकता, जिसमें वित्तीय आपातकाल में है कि आपकी पूरी संपत्ति रहेगी वो आपकी नहीं रहेगी, केवल सरकार की हो जाएगी, केवल आपको है ना जी, केवल महिलाओं का मंगल सूत्र छोड़कर बाकी कोई भी संपत्ति होगी तो वह आपकी संपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता। इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू होता है, लेकिन वो कंडीशन इसके साथ ही राज्यपाल का शासन रहेगा, लेकिन क्या होता है अदर राज्य हैं वहाँ पर क्या है कि राष्ट्र जब भी हैंगे ना मुख्यमंत्री कोई कारणवश से नहीं रहता है तो वहाँ क्या होता है राष्ट्रपति शासन हो जाता है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन ना होकर राज्यपाल शासन हुआ करता था। साथ ही आपको एक चीज़ और बता दें, 370 अनुच्छेद आया कैसे, 370 अनुच्छेद 306 अनुच्छेद जो था, जो अनुच्छेद 306 अनुच्छेद जब युद्ध हुआ, युद्ध के साथ साथ 17 अक्टूबर 1947 को अनुच्छेद 306
ए अनुच्छेद को परिवर्तित करके 370 ए बनाया गया था, जिसमें 370 के तीन प्रावधान हैं, 370 ए, 370 दो और 370 तीन। तो 370 ए क्या है? 370 ए में संघ एवं संघवर्ती सूचियों का प्रावधान है, जिसमें संघ और राज्य और संघ दोनों मिलकर यानी कोई भी प्रावधान बना सकते हैं। 370 बी में है संविधान के जो कुछ विशेष चीज़ें हैं उसमें, और 370 तीन में क्या है कि संविधान में जम्मू कश्मीर का कोई भी 370 को ख़त्म या कोई भी प्रावधान बनाने से पहले वहाँ के विधान परिषद द्वारा वहाँ की अनुमति लेना पड़ेगी आपको। तो ये तीन प्रावधान है, जिसमें से दो प्रावधान ख़त्म कर दिए गए हैं और जो एक प्रावधान है जो अनुमति का वो केवल वहाँ का बचा हुआ है, यानी दो प्रावधान ख़त्म कर दिए गए हैं। अब साथ ही आते हैं, जैसे मान लो कि 370 के साथ साथ 370 के साथ साथ 35 ए, यानी 370 के साथ जो 35 ए था वो क्या था, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। 370 यानी 370 क्या था, 14 मई 1954 यानी 35 ए में है क्या कि आपको 14 मई 1954 से पहले जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं वही जम्मू कश्मीर के निवासी रहेंगे, समझ में आया? यानी वो 14 मई से पहले अगर जम्मू कश्मीर में जो निवास करता है वही जम्मू कश्मीर का निवासी रहेगा। तो वो बहुत सारी दो तीन चीज़ों का जो उल्लेख है वो 35 ए में है, लेकिन जो 35 ए आया कहाँ से, 370 से। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा कि हमारा संविधान, जो संविधान है संविधान में आपने पढ़ी होगी कि आपकी प्रस्तावना है, नंबर दो है आपका 1 से 365 अनुच्छेद हैं, नंबर तीन 12 अनुसूचियां हैं। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, दो परिशिष्ट हैं, दो वो जो दो परिशिष्ट हैं ना, वो दो परिशिष्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं वो ही हैं जो दो परिशिष्ट के बारे में उल्लेख है संविधान में। तो जो दो परिशिष्ट आते हैं वो दो परिशिष्ट कहाँ के हैं, वो जम्मू कश्मीर के हैं। साथ ही अब आपको बता दें कि अब जो परिवर्तित हुआ है उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में क्या होगा, परिवर्तन के बाद अब जम्मू कश्मीर में अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में मेन चीज़ आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन अभी बन सकते हैं आपको। तो पहली चीज़ है कि जो अभी जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं वो हैं अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ठीक। और इसके साथ ही जो विशेष निर्णय लिया गया वो लिया गया 5 अगस्त 2019। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि 370 को कब हटाया गया, तो यानी 5 अगस्त 2019 को, है ना। अब जम्मू कश्मीर का मेन कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष से हटकर कितने वर्ष का हो जाएगा आपका, 5 वर्ष का। साथ ही अब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन हुआ करता था, अब लेकिन अब राज्यपाल जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के वो हैं सत्यपाल मलिक, जो लेकिन अब जो राज्यपाल ना होकर अब उपराज्यपाल होगा, यानी उपराज्यपाल जैसे दिल्ली पांडिचेरी वगैरह में है, तो उपराज्यपाल यानी एलजी जैसे बोलते हैं एलजी, तो उपराज्यपाल होंगे एलजी विनय कुमार, जो कि 1975 आईएएस के ऑफिसर हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी दोनों का एक ही राज्यपाल होगा जो है विनय कुमार। साथ ही अब दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 7, तो 7 से हटकर अब कितने हो गए हैं आपके, बढ़कर 9। और राज्य थे, राज्य जो आपके पास थे अभी कितने, 29 से 28 राज्यों की संख्या हो गई है। साथ ही एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो 370 है वो 370 जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति ने हटाया या फिर गृह मंत्री ने,
तो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। तो जब भी कोई प्रावधान है वो केवल राष्ट्रपति ही खत्म कर सकता है उस प्रावधान के लिए, तो ये राष्ट्रपति हैं। तो साथ भी और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके साथ इस संबंध में, तो मुझे लगा कि आपको इस संबंध में एक वीडियो बनाकर ये जानकारी देनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को हमारी वीडियो शेयर करें, जिससे उन तक भी ये वीडियो एवं ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही बाय, गुड बाय।